अब आपको बताते हैं एक ऐसे बास्केटबॉल ग्राउंड के बारे में जो देखते ही देखते अयाशी के अड्डे में तब्दील हो गया। जी हाँ, चंदन नगर का ये वही बास्केटबॉल ग्राउंड है जहां पहले खिलाड़ी खेलने और प्रैक्टिस करने आते थे, पर यहां हुए वृक्षारोपण के बाद मानो यहां की हवा बदल गई। अब बास्केटबॉल के मैचों की जगह शराब और सिगरेट ने ले ली है। यहाँ अब अयाशी होती है, देर रात तक महफिलें सजती है। देखिए ये रिपोर्ट। हंसते खेलते हुए बच्चे, बास्केटबॉल खेलते और प्रैक्टिस करते खिलाड़ी और इसी के साथ ही बना हुआ सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण, यही चंदन नगर बास्केटबॉल ग्राउंड की पहचान हुआ करती थी। पर इसको मानो किसी की नजर लग गई और ये बास्केटबॉल ग्राउंड अयाशी के अड्डे में तब्दील हो गया। अब आप अगर इस ग्राउंड में जाओगे तो खेलने वाले बच्चे ना के बराबर और शराब और सिगरेट लेकर अयाशी करने वाले ज्यादा दिखेंगे। देर रात तक यहाँ यही सब चलता है। जगह जगह सिगरेट और शराब की खाली बोतलें ऐसी दिखती है मानो यहाँ रोज महफिलें सजती हो। ग्राउंड के रूम्स में भी सिगरेट और शराब की बोतलें पड़ी मिली। दरअसल हुआ यूं कि लोगों ने बास्केटबॉल ग्राउंड में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के साथ ही वहाँ गार्डनिंग भी की गई। कुछ लोगों की माने तो वहाँ वृक्षारोपण के नाम पर अतिक्रमण ही किया गया है, क्योंकि तब से खेलने वाले भी चैन से नहीं खेल सकते हैं। उन्हें अब बास्केटबॉल खेलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। पर मुश्किल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर हुए वृक्षारोपण से बास्केटबॉल ग्राउंड की हवा ही बदल गई। अब बास्केटबॉल के मैचों की जगह शराब और सिगरेट ने ले ली। यहाँ अब अयाशी होती है, देर रात तक महफिलें सजती है। कई खिलाड़ियों ने अब यहाँ आना बंद कर दिया है और कुछ आने वाले नाम मात्र हैं। यही नहीं, बास्केटबॉल ग्राउंड में कुछ लोगों ने अपने घरों का मलबा और कंस्ट्रक्शन का सामान डालकर रख दिया है। कुछ प्रचार केंद्र वालों ने यहाँ अपना सामान रखने की जगह बना ली है और जैसा कि हमने आपको बताया कि किए हुए गार्डनिंग को जाली लगा दी है, जिस पर बच्चों का कहना है कि उनके बास्केटबॉल इससे फूटते हैं। चंदन नगर के पूर्व नगर सेवक गुड्डू तिवारी ने बताया कि उन्होंने इसकी बार बार शिकायत NMC में दर्ज की है, पर NMC है कि इस पर ध्यान नहीं देती। चंदन नगर बास्केटबॉल ग्राउंड है, प्रभाग 31 में आता है। पिछले 10-15 सालों से ग्राउंड में अच्छे प्रकार की टूर्नामेंट्स होती थी। अच्छे बच्चे 200-250 बच्चे जो सवेरे शाम खेलने आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से अतिक्रमण यहाँ बढ़ा हुआ है, इस अतिक्रमण के कारण ऐसा हुआ है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व आके दारू पी के बॉटल यहाँ फोड़ना, जगह पे फोड़ना, ग्राउंड में बास्केटबॉल जो ये है उस पे फोड़ने का, उससे बच्चे को तकलीफ होना चालू हो गया। पीछे आप देख रहे हैं अतिक्रमण, जो झाड़ों का अतिक्रमण, झाड़ों के नाम से अतिक्रमण किया गया है। ये अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ाता है। इधर भी देखा है, साइड में भी देखे अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कारण अभी 4-5 दिन पहले एक बच्चा यहाँ गिर चुका है, उसके बाद यहाँ सांप तक निकलने चुके, तो बच्चे का आना खत्म हो गया। बास्केटबॉल ग्राउंड टोटल कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट खत्म हो चुका है यहाँ का। इसके पहले भी उनको समझाया गया, लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक जो समीकरण चलता है, उस राजनीति का उनको वर्चस्व है और राजनीति का वर्चस्व रहने के कारण उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और अतिक्रमण जहाँ देखो वहाँ, मतलब उन्होंने जहाँ इच्छा वहाँ पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप थोड़े देर सामने जाएंगे तो यहाँ पे आई ब्लॉक लगाए हुए थे, अच्छे आई ब्लॉक थे बिल्कुल, उसको निकाल के और वहाँ 7 प्रकार के गड्ढे कर दिए गए हैं कि मेन रोड पे झाड़ लगाने की कोशिश चालू है। यानी झाड़ लगाने के लिए यहाँ 3 गार्डन है, एक चंदन रमाबाई अम्बेडकर गार्डन है, ये मैदान है, इसके आजू बाजू कितने भी पेड़ लगा उसका अपने को विरोध नहीं है। महेश कॉलोनी का एक गार्डन है, उसके बाद चंदन नगर बुद्ध विहार के पीछे में एक गार्डन है। इतने गार्डन रहने के, इतने ग्राउंड रहने के बाद भी मेन रोड पे जानबूझ के पब्लिक को तकलीफ देने के लिए और गवर्नमेंट संपत्ति का ह्रास करने के लिए इन लोग मेन रोड पे झाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ स्थानीय नगर सेवक का मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक पब्लिक में जो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता ने उसको खोदा है और सार्वजनिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का उसने लॉस किया हुआ है और उसने किसी भी प्रकार की नागपुर महानगर पालिका की कोई भी NOC नहीं ली गई है और विदाउट NOC से उन्होंने वहाँ झाड़ यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस किया, तो इसका भी FIR उस व्यक्ति पे होना चाहिए। अभी मैं यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है चार्ज में पाटिल मैडम, उनको कंप्लेन किया है, हेड ऑफ करके एग्जीक्यूटिव है उनको कंप्लेन किया है, जेई यहाँ का उसको कंप्लेन किया है और इवन कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भेजी है और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इस पर एक्शन लिया जाए। नहीं लेंगे तो हमारे छोटे बच्चे को लेकर पूरे कमिश्नर ऑफिस में जाकर उनके घर ऑफिस के सामने धरना देने की कोशिश हम लोग करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।